हेलो फ्रेंड्स, मोहिनी किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बेसन के चीले की रेसिपी शेयर करूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसन के चीले बनाने के लिए आपको लेना है एक कटोरी बेसन। बेसन को हमें अच्छे से एक घोल बनाना है। घोल बनाते समय हमें पानी को थोड़ा थोड़ा यूज करना है। पानी को थोड़ा थोड़ा यूज करने से बेसन में गुठलियां नहीं पड़ती हैं। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक बारीक कटा हुआ प्याज, और बारीक कटी हुई हरी धनिया, आधी छोटी चम्मच भुना जीरा, आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला। इन सभी मसालों को हमें अच्छे से मिलाना है। घोल अभी गाढ़ा है, इसमें थोड़ा पानी और मिलाएंगे। बेसन का घोल तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आपको घोल को इतना गाढ़ा रखना है। तो चलिए अब इन्हें बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस पर तवा रख दिया है। गैस को आपको मीडियम आंच पर रखना है। अब इस घोल को तवे पर अच्छी तरह से फैला देना है। चिल्ले को फैलाने के एक मिनट बाद हमें इसमें थोड़ा सा तेल लगाना है। अब इसको पलटकर दूसरी साइड भी हमें तेल लगाना है। अब चिल्ले को पलट पलट कर हमें अच्छी तरह से सेक लेना है। चिल्ला रेडी हो चुका है। तो देखिए, अच्छे से पक चुका है। अब मैं एक और बना के दिखाती हूँ। बेसन के चिल्ले रेडी हो चुके हैं। अगर आपको आज हमारी बेसन की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।